लॉकअप में से किसी को चूज़ करना है खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो मैं डेफिनेटली करण वीर का नाम दूंगा, के केवी भाई को देखना चाहूँगा। और ऑलरेडी संभालो भाई, तुमको जाना है क्या खतरों के खिलाड़ी? तो रे पकड़े अच्छा तुम। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ कि करण वीर भाई को देखना चाहूंगा, बट पता चला वो ऑलरेडी जाके आए, तो आई डेफिनेटली वॉन्ट के कोई ऐसा कंटेस्टेंट आए वहाँ पे जो जिससे लोग एक्सपेक्ट ही ना कर रहे, जैसे मतलब आई वॉन्ट राखी सावंत है तो मजा ही आ जाएगा। तो खतरों के खिलाड़ी में राखी सावंत होनी चाहिए, तो आई थिंक हाँ राखी सावंत। जाते जाते एक एक आपकी शायरी सुनना चाहोगे, खतरों के खिलाड़ी से जुड़ी हो होनी चाहिए वो शायरी। खतरों के खिलाड़ी से लेके तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो हाँ तो अभी मैं एक कुछ लिख रहा था तो उस पर ही करता हूँ कि मैं शो में कमाल करता ये सब बवाल करते, मैं जीत के आऊंगा साउथ अफ्रीका फिर भी ये सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं नीचे तो जाना है, इसी में जाना है भाई, नहीं जब जाना है तब जब जा अभी रहे ऊपर हैं जाना देखा जाएगा। अभी तो बोल डोंगरी का सीन है, बोल डोंगरी डोंगरी जाएगी। वाह जबरदस्त भाई, एक बार बोल दो ना खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी डोंगरी जाएगी, बोलो डोंगरी की पब्लिक जगह खाली करो ट्रॉफी आ रही। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत पूरी करूंगा कि मैं ला सकूं, और मेहनत पूरी करूंगा कि जो भी टास्क में घुसूं फाड़ के बाहर आ जाऊं, तो बस मेहनत पूरी है। नीचे तो जाना है, इसी में जाना है भाई, नहीं जब जाना है तब जा रहे ऊपर देखा जाना जाएगा। अभी तो बोल डोंगरी का सीन है, बोल डोंगरी ट्रॉफी जाएगी। वाह जबरदस्त भाई, एक बार बोल दो ना खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी डोंगरी जाएगी, बोलो डोंगरी की पब्लिक जगह खाली करो ट्रॉफी आ रही। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत पूरी करूंगा कि मैं ला सकूं, और मेहनत पूरी करूंगा कि जो भी टास्क में घुसूं फाड़ के बाहर आ जाऊं, तो बस मेहनत पूरी है।